ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଛି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଲୋକସଭାରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏ ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଅରାଜକତାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକସଭା ଚାଲିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ହୋହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। या हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रशासन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा जो पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से बराबर के नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रयासक लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। जदि आपंको आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।